इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देख रहे होते हैं जिसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू होती है और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसके पीछे जीपर्स कीपर पड़ा होता है। अब वो लड़का भागते हुए हाईवे पर आ जाता है जहां पर सामने से एक कार आ रही होती है और अब ये कार की तरफ बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है ताकि वो कार में बैठकर वहां से भाग सके। लेकिन जैसे ही वो कार के पास आता है वहां पर जीपर्स आ जाता है और उस लड़के को लेकर उड़ जाता है। कुछ समय बाद उस लड़के का चाकू और एक कटा हुआ हाथ उस कार के ऊपर आकर गिरता है। दरअसल वो हाथ उस लड़के का नहीं होता, वो हाथ जीपर्स क्रीपर का होता है। अब इसके बाद हम अगले सीन में 23 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर पुलिस को जीपर्स की गाड़ी मिली होती है। दरअसल ये जीपर्स क्रीपर पार्ट 1 के बाद का सीन होता है जहां पर जीपर्स ट्रीस के भाई डैरी को उड़ा कर ले गया होता है और अपना ट्रक पुलिस स्टेशन के पास से छोड़ गया था जहां पर ऑफिसर्स किसी तरीके से ट्रक के डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद एक ऑफिसर जो कि अपने सीनियर ऑफिसर को जिसका नाम डेविस होता है उसे गाड़ी दिखाने के लिए बुलाया होता है। जब डेविस जीपर्स की गाड़ी पास आता है तो जीपर्स की गाड़ी में पड़ी हुई डेड बॉडी को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और जब एक ऑफिसर गाड़ी के अंदर देखने के लिए अपने सिर को गाड़ी के पास ले जाता है तो अचानक से ही गाड़ी के दरवाजे पर नोकिली रोड का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसमें ऑफिसर की जान तो बच जाती है लेकिन ट्रैप में फंसने की वजह से उसका एक हाथ पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर शरीफ डैन भी आ जाते हैं जो कि गाड़ी को देखकर ही पहचान जाते हैं। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि जीपर्स की है और अब इसके बाद डैन डेविस को जीपर्स के बारे में सारी कहानी बताते हैं, किस प्रकार से जीपर्स हर 23 साल के बाद 23 दिनों के लिए जागता है और लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाता है। डैन ने जीपर्स को मारने के लिए हंटर्स की कुछ टीम बनाई होती है जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होता है और किसी भी हालत में जीपर्स को खत्म करना, क्योंकि जीपर्स ने हर किसी हंटर के किसी न किसी चाहने वाले को मारा होता है। डैन को पूरा यकीन होता है कि जीपर्स अपनी गाड़ी को लेने के लिए जरूर आएगा, लेकिन इससे पहले कि डैन जीपर्स की गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेता दो ऑफिसर्स जीपर्स की गाड़ी को वहां से टॉय करके ले जाते हैं। अब ये खबर मिलते ही डैन जल्दी से उन ऑफिसर्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें पता होता है कि अब उन दोनों ऑफिसर्स की जान खतरे में है। अब अगले ही सीन में हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि जीपर्स की गाड़ी को टॉय करके ले जा रहे होते हैं। अब यहां पर जीपर्स भी आ जाता है जो कि अपनी गाड़ी को ऑफिसर्स के ट्रक से अलग कर लेता है और अपने ट्रक पर खड़ा होकर वहां से चला जाता है। अब ऑफिसर्स ये सब देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि जीपर्स अपने ट्रक पर खड़ा होता है और फिर भी उसकी ट्रक ऑटोमेटिक ही जीपर्स के इशारों पर चल रही होती है। लेकिन अगले ही पल में जीपर्स वापस आ जाता है और ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब कुछ देखकर लेडीज ऑफिसर जीपर्स को शूट करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जीपर्स उसे मना कर देता है, जिस वजह से लेडीज ऑफिसर बुरी तरीके से डर जाती है और वो जीपर्स को शूट नहीं कर पाती। अब इसके बाद जीपर्स उस ऑफिसर के साथ उड़कर वहां से चला जाता है और लेडीज ऑफिसर सिर्फ उसे देखते ही रह जाती है। अब अगले सीन में हम गैलन नाम के एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि 23 साल पहले मरे अपने बेटे की आत्मा से मिलती है और जब गैलन कैनी के पास जाती है तो कैनी उसे बताता है कि जो तुमने जीपर्स का कटा हुआ हाथ अपने खेत में छुपाकर रखा है उसे जल्दी से नष्ट कर दे क्योंकि जीपर्स अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और इसी वजह से वो अपने कटे हुए हाथ को वहां पर खोजते हुए जरूर आएगा और गैलन के साथ ही उसकी पोती एडिसन को भी मार देगा। दरअसल आज से 23 साल पहले जब कैनी जिंदा था और उसे ही जीपर्स का कटा हुआ हाथ मिला था और जिसे वो अपनी मदर गैलन के साथ खेत में छिपा दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद जीपर्स ने कैनी को भी मार दिया था। अब अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं जो कि अपने ट्रैक्टर के ऊपर चुपचाप बैठी होती है और जब एडिसन अपने घोड़े के लिए शहर से चारा लाने के लिए बोलती है तो गैलन उसे मना कर देती है और एडिसन से घोड़े को बेचने के लिए कहती है क्योंकि इनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो अपने घोड़े को चारा खिला सके। अब एडिसन ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि वो अपने घोड़े को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहती है। एडिसन जिस जगह से अपने घोड़े के लिए चारा लेने जाती है वहां पर उसका पहले से ही बहुत ही सारा उधार हो चुका था, लेकिन उस दुकान के मालिक का बेटा जिसका नाम बड़ी होता है वो एडिसन को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और इसलिए वो एडिसन को फ्री में ही चारा दे देता है। और जब वो एडिसन को अपने चारे के डिलीवरी के लिए पूछता है और एडिसन उसे मना नहीं कर पाती है और अब एडिसन और बड़ी वहां से चारा डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हम शरीफ डैन को देखते हैं और वो जीपर्स को मारने के लिए उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं क्योंकि डेविस एक शार्प शूटर होता है और उसका निशाना एकदम सटीक होता है, लेकिन डेविस डैन के साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि पिछली बार जब उसने जीपर्स को देखा था और वो पूरी तरीके से डर गया था और जिसकी वजह से वो जीपर्स को शूट भी नहीं कर पाया था। और अब यहाँ पर माइकल भी अपने खतरनाक मशीन गन के साथ आ जाता है जो कि एक ही मिनट में 6000 राउंड फायर तक शूट कर सकती है। दरअसल माइकल डैन के द्वारा बनाए गए हंटर्स की टीम का हेड होता है जो कि किसी भी तरीके से जीपर्स को मारना चाहता है क्योंकि सालों पहले जीपर्स ने माइकल के डैड को उसके सामने ही मार दिया था। इसके बाद डैन किसी भी तरीके से डेविस को अपने साथ आने के लिए राजी कर लेते हैं। अगले सीन में हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी उनको जीपर्स की गाड़ी दिखाई देती है
जिसे वो लोग एक बेकार ट्रक समझकर उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का एक पत्थर को गाड़ी के ऊपर फेंकता है, लेकिन वो पत्थर का टुकड़ा गाड़ी से टकरा कर वापस उसी के ऊपर आ जाता है। और अब जिससे ये लोग गुस्से में आ जाते हैं, और फिर यहाँ पर एक लड़का जीपर्स की गाड़ी पर टॉयलेट कर देता है, और कर्क नाम का एक लड़का किसी तरीके से जीपर्स की गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है। और जब ये लोग जीपर्स की गाड़ी के अंदर पड़ी हुई डेड बॉडी को देखते हैं, और फिर वो बुरी तरीके से डर जाते हैं, तभी अचानक से गाड़ी में लगी हुई नुकली रोड का एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कर्क मरते मरते बचता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, बल्कि ये तो एक ट्रैप है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से भागते, जीपर्स की गाड़ी के पीछे से एक वायर निकलता है, जो कि सीधे ही कर्क के पैरों में जाकर लगता है, और कर्क को जीपर्स की गाड़ी की तरफ खींचने लगता है। ये देखकर कर्क के दो दोस्त उसे वायर से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़का ये सब देखकर डर जाता है और अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। और अब यहाँ पर जीपर्स भी एक डेड बॉडी लेकर वापस आ जाता है, जिसे देखकर कर्क के दोनों दोस्त वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जीपर्स का निशाना अचूक होता है, और जिस वजह से वो अपने एक ही वार से उन दोनों को मार गिराता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने टॉयलेट किया है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस लड़के को ढूंढकर उसको भी मार देता है। अब अगले सीन में हम गैलन को देखते हैं, जो कि अपने खेत से जीपर्स के कटे हुए हाथ को बाहर निकाल लेती है, जिस कटे हुए हाथ में अभी भी जान होती है। लेकिन जब गैलन जीपर्स के कटे हुए हाथ को पकड़ती है, तो फिर वो हाथ गैलन को हवा में उड़ा देता है, और गैलन की आंखें सफेद हो जाती हैं। इस दौरान गैलन को जीपर्स के बारे में बहुत ही सारी बातें पता चलती हैं, जैसे कि वो कहां से आया, वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ जब बडी एडिसन के साथ चारा डिलीवर करने के लिए लोकेशन पर पहुंचता है, तो वो वहां पर देखता है कि वहां पर सभी लोग छिपे होते हैं, क्योंकि इनके आसपास जीपर्स घूम रहा था, जो कि इंसानी शिकार के तलाश में आया होता है। वो लोग वहां पर बडी और एडिसन को भी गाड़ी के अंदर ही छुपे रहने के लिए बोलते हैं, और अगले ही पल में जीपर्स इनके पास आ जाता है। उसे जब पता चलता है कि एडिसन इस समय बुरी तरीके से डरी हुई है, और इसलिए वो एडिसन को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है, और बडी उसे सिर्फ देखता ही रह जाता है। और अब जीपर्स एडिसन को एक सफेद कपड़े में लिपटाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है, और किसी और इंसानी शिकार की तलाश में वहां से निकल जाता है। और क्योंकि अब एडिसन और कर्क अभी भी जिंदा होते हैं, इसलिए ये जीपर्स के जाने के बाद खुद को किसी तरीके से कपड़े के बाहर निकालते हैं। यहाँ पर कर्क एडिसन को बताता है कि ये गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप गाड़ी है, जिसमें एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। अब यहाँ पर कर्क किसी भी तरीके से गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कर्क के बगल में से एक रॉड निकलता है, जो कि कर्क के सर के आर पार हो जाता है, और जिस वजह से कर्क की वहीं पर डेड हो जाती है। एडिसन ये सब देखकर बुरी तरीके से डर जाती है, और जब क्रीपर एक डेड बॉडी को लेकर वापस आता है, तो जल्दी से एडिसन एक सफेद कपड़ा ओढ़कर सो जाती है और मरने का नाटक करने लगती है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं, जो कि डेविस और अपने हंटर टीम के साथ गैलन के फार्म हाउस पर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि गैलन के पास जीपर्स का कटा हुआ हाथ है, जिसकी मदद से उन्हें जीपर्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। वहां पर जब डैन जीपर्स के कटे हुए हाथ को पकड़ता है, तो फिर उसे भी विजन आना शुरू हो जाता है, और गैलन की आंखें भी पूरी तरीके से सफेद हो जाती हैं। और अब डैन को भी जीपर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो इस समय इतना डरा होता है कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। तभी इन्हें रेडियो पर खबर मिलती है कि पास के हाईवे पर जीपर्स के ट्रक को देखा गया है। ये खबर मिलते ही डैन अपने टीम के साथ जीपर्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले डैन डेविस के साथ जीपर्स को पीछे से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और माइकल को आगे से आकर जीपर्स को रोकने के लिए कहता है। अब डेविस पीछे से जीपर्स के ट्रक पर फायर करता है, लेकिन गन की बुलेट जीपर्स के ट्रक पर लग कर वापस आ जाती है, और इनके कार से आकर टकरा जाती है, जिससे इनको समझ में आ जाता है कि जीपर्स की गाड़ी कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, बल्कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस गाड़ी है। अब आगे से माइकल भी आ जाता है, जो आते ही अपनी मशीन गन से जीपर्स के ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी डैन और डेविस उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और जीपर्स के ट्रक पर टकरा कर आने वाली बुलेट से माइकल मारा जाता है। और जिसके बाद जीपर्स अपने ट्रक के नीचे से एक एडवांस बम को फेंक कर डैन और डेविस को मारने की कोशिश करता है, और जिनकी वजह से उनकी ट्रक पलट जाती है। लेकिन डैन और डेविस किसी तरीके से बच जाते हैं, और अब जीपर्स डैन को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन डेविस जीपर्स के ऊपर शूट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर डेविस की गोलियों से जीपर्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस दौरान जीपर्स की आइकॉनिक टोपी नीचे गिर जाती है, और जिस बात पर जीपर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो डेविस को मारता, डैन शोर मचाना स्टार्ट कर देता है, और जीपर्स का ध्यान भटकाकर अपनी तरफ कर देता है। और अब इसके बाद जीपर्स डेविस को छोड़कर डैन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इसी दौरान डैन माइकल की मशीन गन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और जीपर्स के ऊपर लगातार ही फायर करने लगता है। इस फायरिंग में
बुलेट जीपर्स के शरीर को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर भी जीपर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो डैन को लेकर नीचे कूद जाता है और उसे मार डालता है। डैव इसे सभी कुछ देखता रह जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, और अब इसके बाद वो जंगल में भाग जाता है। डैन को मारने के बाद जब जीपर्स वापस अपने ट्रक में पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि एडिसन अभी भी जिंदा है, और अब जीपर्स एडिसन को मारने के लिए ट्रक के अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो एडिसन को मारता, एडिसन ट्रक में लगे एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से अगले ही पल में एक रोड जीपर्स के सर के आर पार हो जाती है और जिस वजह से भी जीपर्स की एक आंख बाहर निकल जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एडिसन अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। अब एडिसन को भागता देखकर जीपर्स अपने भाले से एडिसन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी होती है। अब जीपर्स एडिसन का पीछा करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचता है उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है और जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है, और एडिसन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। और जब जीपर अपने ट्रक को लेकर एडिसन को मारने के लिए गैलन के फार्म हाउस में जाता है तो वहां पर एडिसन नहीं होती है क्योंकि बड़ी एडिसन और गैलन को अपने साथ ले गया होता है। अब यहां पर जीपर्स को अपना कटा हुआ हाथ और एक पोस्टर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि हम जानते हैं कि तुम कौन हो। अब जीपर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपने कटे हुए हाथ को डिस्ट्रॉय करके बहुत ही तेजी से चीख मारता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पक्षी मरकर नीचे गिरने लगते हैं। अब अगले सीन में हम बडी को देखते हैं जो कि एडिसन से विदा लेकर अपने बास्केटबॉल मैच के लिए चला जाता है। अब जिसके बाद हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रिश को देखते हैं जो कि किसी भी तरीके से जीपर्स को मारना चाहती है और वो जीपर्स के बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। दरअसल ट्रिश वही लड़की है जिसे हमने जीपर्स क्रीपर्स के पार्ट 1 में देखा था, जिसमें जीपर्स ने ट्रिश के भाई डैरी को मार दिया था और अब ट्रिश अपने भाई के मौत का बदला जीपर्स से लेना चाहती है। अब दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करना मत भूलना।